और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने सौर्य और पराक्रम से दिया था। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे, और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के, उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो, वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाय इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बोकलाहाट का शिकार होकर अपने हजबे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।